ग्यारहवीं वाले कितने लोग हैं? इलेवेंथ एसएससी वाले कितने हैं? इलेवेंथ, इलेवेंथ, ग्यारहवीं इतने हैं क्या? देवधर हाथ वर कर, उगीस तो का एग्जाम एवढा लहान नाही, हाथ वर कर. तेव्हा स्पेशल हिस्ट्री म्हणून एक विषय होता और हम उस समय इतिहास सीखे, पर सच्चा इतिहास तो हम अब सीख रहे हैं, ये सबसे महत्व की बात है. और यह इतिहास जो 70 साल से लोगों ने छुपा के रखी, ये इतिहास कुछ सालों में बाहर आ रहा है. हिंदुस्तान जग रहा है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता. पद्मनाभ जी जो है ना, हम बहुत उनसे झगड़े भी किए हैं, उनके घर में चाय भी पिए हैं. सुनील जी आपको याद है? याद है ना, इनके घर पे जाके चाय पीने. और पद्मनाभ जी का जो जो माइंड है ना, बिल्कुल रिबेलियस है, उल्टा है. और जो कोई नहीं सोच सकते हैं वो सिर्फ पद्मनाभ जी सोच सकते हैं. आज पद्मनाभ जी यहाँ आए हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. चाय अभी भी याद है, इस्कॉन के अंदर में आपके घर के यहाँ आकर चाय जो हमने पिए वो भी याद है. और मिसेज आचार्य जी, जरा लाइट बेट हटा हुआ है, मिसेज आचार्य को देखना है. हाँ, सो वंडरफुल मैम दैट यू हैव कम हियर एंड इट्स सो ब्यूटिफुल दैट बोथ ऑफ यू आर हियर. सभी का ऐसे भ्रम है हिंदुस्तान में कि जो बोलते ज़्यादा है वो काम ज़्यादा करते हैं, पर उसमें एक्सेप्शंस है. अरविंद जी शर्मा, अरिबम ब्रजकुमार शर्मा जी कितने सौम्य लगते हैं. बम जब फटता नहीं तो शांत लगता है. आपने कभी हैंड ग्रेनेड को हाथ में लिया है? मैंने भी नहीं लिया है, पर ऐसा सौम्य दिखता है, बॉल जैसा दिखता है, क्रिकेट बॉल, व्हाइट बॉल, रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल. ऐसे अरब रिम्स, उन्होंने आके मुझे कहा, आई हैड प्रॉब्लम्स विद हिंदी, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड माई इंग्लिश. मैंने कहा, ये इंग्लिश नहीं सुन रहे हैं, वो तुम्हारी दिल की बात किसी भी भाषा में कहो समझ जाती है. तो आज पद्मनाभ जी आचार्य, मिसेज आचार्य, अरविंद ब्रह्म शर्मा, इनके ये जो काम करते हैं, ऐसे 10% का हम ड्रग एडिक्शन के विरुद्ध यहाँ काम करें तो बहुत बड़ी बात है. प्रकाश भाई मेहता इज मैन ऑफ फॉर ऑल सीजन्स, मैन फॉर ऑल सीजन्स. नरेंद्र मोदी जी 4 बार इलेक्शन जीते, आपने 6 बार जीता. बहुत बहुत डीप व्यक्ति है. प्रॉब्लम लेकर जाओ तो सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट निकालते हैं. ये गुजरातियों का कुछ अंदर कुछ अलग जीन्स है और इनमें वो बहुत स्ट्रांग है जींस. आज गुजरातियों के बारे में अच्छा अच्छा बोलना इम्पोर्टेंट है. 5 टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया आर गुजरातीज. और कौन कौन है आपको पता है? तो आप नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रोग्राम क्या में आए, बहुत अच्छा लगा सर. आपको एक बार हमारा जो ट्रिप जाता है ना नॉर्थ ईस्ट में, आप और आपकी फैमिली को वो एक स्पेशल ट्रिप, माय होम इंडिया, दे कैरी आउट द स्पेशल ट्रिप अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट. इफ एनीबडी वांट्स टू गो, आई थिंक यू शुड गो, बट आपको आना ही है सर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट प्रकाश मेहता वॉज हियर एंड ही सेड दैट ही इज टच्ड बाय वॉट हैपन्ड अक्रॉस द लास्ट 1.5 आवर्स. संवेदनाशील कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा सर आप इधर है. कंबोज तो युद्ध भूमि में खड़ा है. मोहित कैसा खड़ा होता है ना, उसने क्या किया, इसको हटा दिया. एकदम डायनामिक लीडर एंड देयर इज अ लॉट टू सी. यू आर द बेस्ट ऑफ यू इज येट टू कम सर. और हिज फेस विल बी वेरी फेमिलियर इन द नेक्स्ट 25 years, 30 years, इन वॉट एवर स्फीयर ही इज वर्किंग. साथ साथ में मुझे मेरे पास सेलिब्रिटी आते हैं और मुझे जब मेरा दिमाग सटकता है तो मैं किधर जाता हूँ आपको पता है, पर मेरा दोस्त का जब दिमाग सटकता है तब वो किधर आता है आपको भी पता है. सुनील ऐसा ही हंसता रहता है, ऐसे मजा की बहुत सालों से, ऐसे मजा की और ही स्टिल हिज फीट ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स सुनील हैज. किसी के साथ भी मिल सकता है, आज भी वो संघ का कार्यकर्ता है,
बीजेपी में जाने के बाद भी संघ का कार्य करता है, वो गुण मुझे लगता है सभी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। माई होम इंडिया ऐसे ही नहीं चलता है, हम लोग भाषण देते हैं, काम करने वाले श्रवण किधर है, श्रवण से लेके देवा तक, देवा किधर है, श्रवण से लेकर देवा तक बहुत खतरनाक कार्य करता है, रात दिन 24/7 फायर ब्रिगेड स्टाफ जैसे हो, फायर ब्रिगेड स्टाफ जैसे होते हैं वैसा है, 24/7 आरएमओस बोलते हैं ना हॉस्पिटल में, वैसा है। आपको पता नहीं इन लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मैंने आंखों से देखा, वो सिर्फ पद में है इसके लिए पद का काम नहीं करते हैं, वो झाड़ू भी मारते ऑफिस का, खाना भी बनाते कभी कभी, गाड़ी भी चलाते हैं, भाषण भी देते हैं, आई थिंक इट्स ऑल राउंड कार्य करता है। पद लेने के बाद कोई भी काम छोटा नहीं है, ऐसे समझने वाले माई होम इंडिया के कार्यकर्ता के बिना ये सब कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता है सबसे बड़ी तालियां उनको मिलना चाहिए। मंदार खराड़े हमारे सामने बड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त लड़का, बहुत जबरदस्त, अभी लड़का नहीं बोलना चाहिए ना, बाप है वंडरफुल मैन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ वंडरफुल फोटोग्राफर, व्हाट अ वॉइस, ही वाज एन आरजे आल्सो फॉर सम टाइम, डीजे नहीं था वो सिर्फ आरजे था, गाना भी बहुत डीजे भी है, गाना भी बहुत अच्छा गाता, उनके साथ जो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा डॉक्यूमेंट्री का, मिस्टर तिवारी दिया फैंटास्टिक, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी पहुंचो तो कहीं भी जा सकते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाया मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा होगा बहुत लोगों ने बात किया, पर स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, किसको मिला, लेशराम मेमा को। मुझे लगा ये मणिपुरी कुछ स्टार्ट करेंगे, गाएंगे, हमें नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एंडिंग में हमें तालियां बजानी होगी, ऐसे मुझे लगा, पर जब आपने शुरू किया ना, म्यूज़िक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बिना म्यूज़िक आजकल कैरियोके करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त, एंड इट इज़ नॉट हर वॉइस, इट इज़ हर हार्ट एंड हर डिवोशन टू माई होम इंडिया विच ब्रिंग्स द वॉइस टू द फोर, आई थिंक दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। बाकी सब यहाँ कुछ छुपे रुस्तम है, आनंद देवधर, वणगे सर, सावन, बहुत छुपे रुस्तम है, ये इन्होंने कहा कि इनका नाम मत लेना, फिर भी कभी कभी मैं नाम लेता हूँ। तो सबसे आखिर में, नया इतिहास लिखना अपना काम है, झूठा इतिहास लिखना कम्युनिस्ट लोगों का काम था, नया इतिहास लिखना अपना काम है, सच्चा इतिहास लिखना अपना काम है। तो ये सब प्रयास जहाँ जहाँ होती है वहाँ हमें बिल्कुल आगे जाना चाहिए, और जब झूठा इतिहास ट्विटर में आती है, फेसबुक में आती है, तब उनका विरोध खुल के करना चाहिए। यू कैनॉट बी एनी मोर द गुड बॉय, द गुड मैन, द गुड हिंदू, वी हैव टू बी द इफेक्टिव हिंदू, द रूथलेस हिंदू एंड द एंग्री हिंदू, एंड द एंग्री हिंदू इज़ व्हाट यू वांट। नहीं नहीं, मेरा नाम क्यों मैं करूँ खराब, मेरा रिश्ता उसके साथ बिगड़ेगा, रिश्ता पिश्ता गया, तेल लगाने, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और उसे कोई रोक नहीं सकता है, आपका हाथ चाहिए। आखिर में दनाइत मैडम तो कुछ भी बोलो तो हाँ बोलती है, गाना लिखो हाँ, गाना गाओ हाँ, ये वो हो यहाँ, आई थिंक वो आज बहुत जल्द एक्साइज की नौकरी छोड़ने वाली है, मुझे लगता है वो माई होम इंडिया में फुल टू आने वाली है, क्या लगता है ना, आ सकती है, ऐसे वो हंस रही हो वहाँ। सो बिफोर थैंकिंग यू ऑल, आई वुड थैंक द ADC ऑफ पद्मनाभाचार्य सर, थैंक्स फॉर कमिंग, प्लीज स्टैंड अप सर, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड योर फ्रेंड ऑल्सो हैज कम विद यू, एंड मैडम के साथ भी काफ़ी लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सभी एक साथ आए, और आपका नाम मैं प्रोनाउंस करना मुझे बहुत मुश्किल हुआ, क्या नाम है सर, ईबो उनका नाम है, मैं ध्यान से ऐसे देख रहा था, NPC है यहाँ, और वो दो स्टार है ईबो, ही इज़ द ADC ऑफ मिस्टर आचार्य, एंड मैंने उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके पीछे बैठे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एकदम पर्सनल फ्रेंड है, ऐसे मुझे लगा, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग दिस प्रोग्राम। एंड लास्टली, सुनील ने आखिर में कुछ कहा, तालियों के साथ, नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ मांगा यार, प्रकाश जी को पता है, माई होम इंडिया ऐसे ही नहीं चलता है, बारिश से नहीं चलती है, तन मन
और पॉज के बाद धन, इसकी आवश्यकता माय होम इंडिया को है। आते रहे, आशीर्वाद बहुत अच्छा है, पर आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आसपास में कोई अच्छे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत काम किया, अभी कुछ किसी को देने। बहुत लोग आगे पूछते हैं, हमें इतना पैसा देने कहाँ दो। बिल्कुल आपके जबान में एक ही चीज़ होना चाहिए, वो है नहीं, दम ही नहीं है, कोई दम ही है। क्या नाम होना चाहिए बस। And thank you for all coming here on this great evening. This hall is always full every year. And please come again. But when you come again, get your friends. Thank you for attending. Thank you. Thank you, Sunil, for everything. Saraswat Bank ko to abhinandan kiya. Vakrangi Limited, Sami Labs, Swatantra Veer Savarkar Samiti, Police Department, yahan ke Northeast youth jo aaye from Pune, and all the others who have come here. Thank you.